मुख विषमाप्त नहीं होनी चाहिए जी। तो मुक्ति काल में उबेगा कैसे? उबेगा इसलिए इच्छा तो समाप्त नहीं होगी, इच्छा तो रहेगी मैं सुखी रहूं, पर क्षमता खत्म हो गई। जैसे उदाहरण के लिए आपको बालूशाही दी खाने को, ठीक है, तो बालूशाही खाई, अच्छी लगी, टेस्टी लगी, स्वादिष्ट लगी, सुख मिला, तो एक खाई, दो खाई, तीन खाई, फिर आप बोर हो गए। सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं हटी है, क्षमता खत्म हो गई आगे सुख लेने की, इसलिए मजबूरन छोड़ना पड़ा कि बस भाई अब और नहीं खाई जाती। सुख की इच्छा खत्म नहीं हुई है, क्षमता खत्म हो गई और भोगने की, इसलिए आपने बंद कर दिया। पांच सात दिन के बाद फिर क्षमता आ गई, अब आपने अलाव आज फिर खाएंगे, तो इच्छा तो थी, इच्छा नहीं हटी। जीवात्मा की अपनी भी कोई क्षमता है या नहीं? इंद्रियों की अलग कर देते हैं, जीवात्मा की अपनी भी तो कोई क्षमता है या नहीं? वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? है? पता नहीं। अच्छा, जीवात्मा अल्प शक्तिमान है या सर्वशक्तिमान? जब अल्प शक्तिमान है तो लिमिटेड हो गया, उसकी क्षमता लिमिटेड है, वो उतने के बाद थक जाएगा। इच्छा खत्म नहीं होगी, क्षमता खत्म हो जाएगी, वो थक जाएगा, वो कहेगा थोड़ा चेंज होना चाहिए, परिवर्तन। मैं बता रहा ना, उस दिन जब आप यहाँ नगर में रहते हैं तो शिविर में आने की इच्छा होती है ना, बड़े उत्साह से आते हैं। आज छः दिन हो गए, अब देखो ना दोपहर में दो घंटे में सब साफ हो जाएगा, सब दो घंटे बाद कबूतर बोलेंगे, सब भागेंगे फटाफट घर की तरफ। परिवर्तन चाहिए। जब नगर में रहते हैं तो जंगल अच्छा लगता है, जंगल में रहते हैं नगर अच्छा लगता है, तो जीवात्मा एक स्थिति में हमेशा नहीं रह सकता, उसको परिवर्तन चाहिए, तो वहाँ मोक्ष में भी हमेशा नहीं रह पाएगा। एक समय के बाद वो कहेगा आप थोड़ा परिवर्तन चाहिए। फिर आत्मा को तो अपरिणामी कहा। आत्मा